एवरीवन, वेलकम टू तस्नीम इंडियन जायका। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैमा ब्रेड रोल। ये बहुत टेस्टी और यम्मी है फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों में जरूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखें, यहाँ पे हमने मटन कैमा धो के साफ करके रखा हुआ है, ऑयल हाफ कप, हाफ लेमन जूस, टमाटो केचप हाफ कप, प्याज को हमने काट के रखा हुआ है, धनिया पत्ती इसे भी हमने काट के रखा हुआ है, यहाँ पे हमने 1 कप मटर लिया हुआ है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 स्पून, शिमला मिर्च यहाँ पे हमने 1 कप लिया हुआ है, ड्राई मसालों में हमने यहाँ पे लिए हुए हैं पाउडर सॉल्ट 1 स्पून, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर। यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम होने के लिए रखी हुई है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गरम होने दें। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कैमा ऐड करेंगे। कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसी में हम मटर ऐड करेंगे। मटर के साथ हम कैमे को फ्राई करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, कैमे का कलर चेंज हो चुका है और कैमे ने वाटर रिलीज किया हुआ है। मैंने वाटर ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स। इसी में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए इसे मिक्स करके कुछ करेंगे। हम यहाँ पे सारे सूखे मसालों को ऐड करेंगे। चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं। जब तक ये वाटर अब्सॉर्ब ना कर ले तब तक हम इसे कुक करेंगे फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, जो इसमें वाटर था वो ड्राई हो चुका है। कैमा ऑयल रिलीज कर रहा है फ्रेंड्स। चलिए इस स्टेज पे हम इसे क्लोज करके मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि कैमा और मटर अच्छे से गल जाए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, एक बार हिला लें। ऐड करेंगे लेमन जूस, चॉप की हुई ऑनियन, मैंने यहाँ पे 1 big size ऑनियन को चॉप करके रखा हुआ था। अब हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, ये भी हमने 1 big size कैप्सिकम चॉप करके रखा हुआ था। अब हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिल्ली भी चॉप करके ऐड की हुई है। चलिए इन सबको मिक्स करके कुक कर लेते हैं। सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स।
दिया इसे 5 मिनट्स के लिए, ओके रखें। चलिए फ्रेंड्स 5 मिनट्स हो चुके हैं, एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी भी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप जो हमने पहले से रखा हुआ था। चलिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 स्पून मैदा लिया हुआ है, लिया था मैंने। इसे इस तरह वाटर के साथ ऐड करके मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। चलिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स दूसरी ओर मैंने यहाँ पे हमने इसको फेड़ के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे 3 एग्स लिए हैं, यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स और इस प्लेट में हमने थोड़ा सा वाटर ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है, हम एक ब्रेड लेंगे, इसे थोड़े से पानी में सिर्फ एक साइड सोक करके इसमें कीमा ऐड कर लेते हैं। फिर हम ब्रेड क्रम्स में इस तरह रोल कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह इसकी खैमा ब्रेड रोल बना के हम एक प्लेट में रख लेंगे। सारे इसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स सारे मैंने इसी तरह ब्रेड रोल करके रख लिया है खैमा ऐड करके। चलिए अब हम फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल गरम होने के लिए रखा हुआ है, ऑयल गरम हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए एक एक करके धीरे धीरे से हम ब्रेड रोल ऐड करते जाएंगे। ये देखे फ्रेंड्स फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है फ्रेंड्स इसका, ये देखें। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। सारे ब्रेड ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। मैंने सर्व किया है टमाटो केचप के साथ, ये बहुत टेस्टी और यम्मी बना है फ्रेंड्स। ये देखें मैं आपको तोड़ के बताती हूँ,
कितना मजेदार बना है फ्रेंड्स। बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। आप भी अपने घरों में जरूर ट्राई करें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।